गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में एक नई रोम लेके आया हूँ रेडमी के K20 प्रो में, जिसका नाम है ऑक्सीजन OS, जो कि OnePlus 7T से पोर्टेड है। तो गाइस देखेंगे क्या कुछ हमें फीचर्स इसमें मिलते हैं और लास्ट बिल्ड के हिसाब से कितने बग्स अभी भी इस रोम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी सभी इसका डिवाइस इन्फॉर्मेशन ऑन किया हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अबाउट फोन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप सभी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। तो एंड्रॉयड जन 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है और जो सिक्योरिटी पैच है फर्स्ट अक्टूबर का देखने को मिलता है। गाइस यहाँ पे जो कर्नल देखने को मिलता है 4.14.196 जिनोस कर्नल देखने को मिलता है। और गाइस इसमें आपको कुछ मेजर बग्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा लास्ट बिल्ड के हिसाब से, तो इसमें काफ़ी चीज़ें फिक्स कर चुकी है। ये OnePlus 7 Pro से पोर्टेड है, लेकिन गाइस इसमें आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को नहीं मिलेगा। गाइस अब बढ़ते हैं इसके बाकी के फीचर्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोम काफ़ी अच्छे से काम करती है, तो हम इसमें अभी बेंचमार्क टेस्ट करेंगे, DRM इन्फो, सेफ्टी नेट फीचर्स वगैरह सब कुछ टेस्ट करेंगे और पबजी का गेम प्ले भी करेंगे, क्या कुछ सेटिंग्स हमें पबजी में देखने को मिलती। तो गाइस सबसे पहले हम बेंचमार्क स्कोर की बात करें, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है, जो स्कोर है वो 4,45,000 का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। आप बैटरी बैकअप वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको कोई भी बैटरी ड्रेनिंग का इशू देखने को नहीं मिलता। गाइस इसमें आपको बैटरी का एनिमेशन का चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ तो आपको रैप चार्जिंग का, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपको रैप चार्जिंग का एनिमेशन देखने को मिलता है। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे से काम करता है, कभी कभी आपको फिंगरप्रिंट में कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन अगर आप फोन रिबूट कर लोगे तो आपका वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। कभी कभी इशू होता है फिंगरप्रिंट के रिगार्डिंग, लेकिन फेस अनलॉक के रिगार्डिंग कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फिंगरप्रिंट टेस्ट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो फिंगरप्रिंट स्लो काम करता है, लेकिन काफ़ी अच्छे एक्यूरेट काम करता है। कभी कभी आपका डिटेक्शन फेल होता है तो आपको फ़ोन रिबूट करना पड़ जाता है। तो फेस अनलॉक की बात करूँ तो वो भी काफ़ी परफेक्टली वर्क करता है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है इस रोम में। तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं और कुछ क्या कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम कस्टमाइजेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन का कोई ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको प्रीसेट थीम्स में कुछ थीम देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको मैकलेरन एडिशन का भी थीम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको थीम से यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपका सभी चीज़ें चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये अप्लाई हो चुका है, तो ये कुछ थीम्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस अब बढ़ते सेफ्टी नेट फीचर्स की तरफ में, तो इसे मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ, तो ये भी आपको पास देखने को मिलता है। DRM इन्फो की बात करूँ तो वाइड वन L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और गाइस आप कस्टम कर्नल भी इस रोम में यूज़ नहीं कर सकते। अब गाइस बढ़ते बाकी के चीज़ों की तरफ में, तो हम करेंगे पबजी का छोटा सा गेम प्ले। और गाइस उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको यहाँ पे कैमरे का कोई ऐप देखने को नहीं मिलता है इस रोम में, तो आपको बाहर से कोई भी कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्री इंस्टॉल कैमरा इसमें देखने को नहीं मिलता है। अब गाइस पबजी टेस्ट करके दिखाओ, तो आपको पबजी का गेम प्ले छोटा सा दिखा देता हूँ। तो गाइस हम जाएंगे सेटिंग के तरफ में, तो यहाँ पे हम सेटिंग की टैब ओपन करेंगे, उसमें जाएंगे हम ग्राफिक्स। डिफ़ॉल्ट आपको HD विथ एक्सट्रीम ग्राफिक्स आता है इस रोम के साथ। गाइस आप चाहिए तो HDR एक्सट्रीम मोड भी ऑन कर सकते हो, और Ultra HD में Ultra FPS तक का सपोर्ट आपको देखने को मिले। तो हम HD विथ एक्सट्रीम सेटिंग के साथ कुछ गेम प्ले करेंगे और देखेंगे हमें कुछ लैग वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा TDM मैच खेलेंगे। Thank you.
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अच्छा सा पबजी गेम प्ले किया, आपको कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। तो गाइस काफ़ी बढ़िया रॉम है, आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो इस रॉम में। तो अब बढ़ते हैं इसके इंस्टॉलेशन की तरफ में, तो हम अपना फ़ोन बूट कर लेंगे रिकवरी मोड में। और गाइस सभी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा, दोनों ही डाउनलोड कर लीजिए और अपने इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपना फ़ोन बूट करता हूँ सबसे पहले रिकवरी मोड में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल कर रखा है। तो गाइस ये रॉम को फ्लैश करने के लिए आपको ये रिकवरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज आपका रॉम फ्लैश नहीं होगा सक्सेसफुल। तो मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है। तो गाइस अब मैं करूँगा इसमें इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले हम मैं सभी चीज़ें वाइप कर लूँगा, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, सभी चीज़ें वाइप कर लीजिए। वाइप करने के बाद आपको गाइस अपनी जो रॉम की फाइल्स है उसे आपको अपने इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर रखना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो फाइल देखने को मिल जाएगी, एक सिस्टम और एक वेंडर। तो सबसे पहले आपको वेंडर की फाइल फ्लैश करना है, उसके बाद आपको सिस्टम की फाइल फ्लैश। और गाइस इसके अलावा और कोई भी फाइल फ्लैश नहीं करना है आपको, फर्मवेयर की भी फाइल फ्लैश नहीं, बस ये दो चीज़ें फ्लैश करिए और अपना सिस्टम बूट कर लीजिए। अगर आपको रूट परमिशन चाहिए तो आप मैजिक्स की फाइल फ्लैश कर दें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है फ्लैश की। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए रॉम के साथ।